हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मजिस्टो टीचिंग। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है ऑटोमोबाइल का, उसमें मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कंप्रेसर, सेकंड होता है कंडेंसर, थर्ड होता है रिसीवर और ड्रायर, फोर्थ होता है एक्सपेंशन वाल्व एंड फिफ्थ होता है इवेपोरेटर। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इन सभी कंपोनेंट को डिटेल में। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। कंप्रेसर कार एसी सिस्टम में इंजन बे में लोकेट होता है और कंप्रेसर को ड्राइव भी इंजन द्वारा ही मिलती है। फ्रेंड्स, एसी सिस्टम में कंप्रेसर जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सिंपल वर्ड में कहें तो कंप्रेसर लो प्रेशर वेपर इसी रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर वेपर ऐसे रेफ्रिजरेंट में चेंज करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड कंपोनेंट कंडेंसर की। ऑटोमोबाइल एसी सिस्टम में कंडेंसर रेडिएटर के फ्रंट में लोकेट होता है। जो कंडेंसर होता है, ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंप्रेस होकर आता है, उस वेपर रेफ्रिजरेंट को सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये काम होता है हमारा कंडेंसर का। थर्ड कंपोनेंट है हमारा रिसीवर और ड्रायर। रिसीवर और ड्रायर इस सिस्टम में कंडेंसर के आउटलेट पोर्ट और एक्सपेंशन वाल्व के इनलेट पोर्ट के बीच में लोकेट होता है। फ्रेंड्स, रिसीवर और ड्रायर के मेनली 3 काम होते हैं एक एसी सिस्टम में। फर्स्ट वर्क है रिसीवर ड्रायर एक तरह का टेम्पररी स्टोरेज कंटेनर होता है जो इसी रेफ्रिजरेंट को स्टोर करता है जब इस रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता कम होती है एसी हो तो उसके वर्किंग के दौरान। ये एक तरीके से रिसीवर ड्रायर का रिसीवर वाला काम होता है। सेकंड वर्क है कि जो रिसीवर ड्रायर होता है उसके अंदर फिल्टर लगा होता है जो एसी रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करता है, उससे इंप्योरिटीज को अलग करता है। लास्ट थर्ड वर्क है कि जो रिसीवर ड्रायर होता है उनमें डेसेसेंट मटेरियल होता है जो एसी कंपोनेंट में से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है जो एयर में ह्यूमिडिटी के कारण आ जाते हैं। ये काम होता है ड्रायर का, ये रिसीवर ड्रायर का ड्रायर वाला काम होता है। फोर्थ कंपोनेंट है हमारा एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व जो होता है ये क्या करता है कि जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट होता है उस रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को रिमूव कर देता है, जिस कारण से लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो पाता है और जो रेफ्रिजरेंट का अमाउंट फ्लो हो रहा होता है उस अमाउंट को भी एक्सपेंशन वाल्व भी कंट्रोल करता है। फिफ्थ और लास्ट कंपोनेंट है हमारा इवेपोरेटर। इवेपोरेटर एसी सिस्टम में जो कंडेंसर होता है उसके बिल्कुल उल्टा वर्क करता है। जब लो प्रेशर लो टेम्परेचर कूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से इवेपोरेटर में जाता है तो ये रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर की हीट अब्सॉर्ब कर लेता है और हीट अब्सॉर्ब होने के कारण इवेपोरेटर की एयर ठंडी हो जाती है और जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अगेन कंप्रेसर में आ जाता है और इसी तरह से ये पूरी साइकिल वर्क करती है। सो गाइस, यही कंपोनेंट रहते हैं हमारे ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मजिस्टो टीचिंग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।